अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद बकरीद मुबारक, हज मुबारक। दोस्तों देखिए, काफ़ी मज़ेदार हमारे ज़रीना बेगम बनाए मिर्चों का सालन। ये ईद की तैयारी हो रही है हमारे घर में। ये रहे पापड़, और ये जो देखिए पापड़ पापड़ यहाँ पे तले जा रहा है ऐसा। ये देखिए क्या अच्छा तले जा रहा है। बताइए चावल बेगम जी, ये खिचड़ी है देखिए, हर हफ्ता खाते हमारे पास बीमार भावनों को। तो ये मिर्चियों का सालन है, और ये सीना देखिए आप। सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। तो देखिए हमारे किचन की हालत बड़ी ही खूबसूरत। ये रहा कोथमीर भिगा हुआ, और ये टमाटे, और ये पुदीना। पर काम सब हो जाने के बाद एक अच्छी आदत है हमारे ज़रीना बेगम के पास, पूरा चूल्हा साफ करके ऐसा हीरा हीरा करके जाते हैं। अब क्या है, पकाने में ज़रा चूल्हा ख़राब होता इतना। ये देखिए पापड़ तले जा रहा है, तलते रहिए। देखिए पापड़ तले जा रहे हैं खिचड़ी के साथ, पापड़ अचार तला हुआ गोश्त खट्टा, ये सब नहीं रहा तो क्या मज़ा है बोलिए। ये सब तो ज़िंदगी का मज़ा है खिचड़ी के साथ। ये पापड़ माश का पापड़ है। ये देखिए ये हमारे जुबेदा भी के चीज़ क्रैकर्स जो मॉर्निंग में चाय के साथ डुबो के खाते। ये आ रहा है अलग वजह का पापड़, मुरकुल वाला। आज जो है मैं ज़रा बाहर चले गया था हमारे मम्मी के साथ, तो हमारे ज़रीना बेगम को घर को जल्दी जाना है, कहते उनकी वो ईद की तैयारियां करना है। तो कल उनकी बच्ची को माशाल्लाह से देखने आए थे, पसंद कर लिए। तो ऐसा है देखिए, अब डबल की रोटी लाए, डबल का मीठा बनाएंगे। और ज़रीना बेगम हमारे शेफ़ है घर के। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।